1787 में आज ही के दिन तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1858 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स बुशनैन को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से एक टेलीग्राफ संदेश ट्रांस अटलांटिक केबल से प्रसारित किया गया। आज ही के दिन 1886 में महान संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस का निधन हुआ। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया था। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। वे ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। आज ही के दिन 1906 में दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 8.6 की तीव्रता वाले भूकंप से 20,000 लोगों की मौत हुई। 1924 में आज ही के दिन नीदरलैंड और तुर्की के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1943 में आज ही के दिन बुल्गारिया के जार बोरिस तृतीय एडोल्फ हिटलर से मिले। आज ही के दिन 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया। इस दौरान हिंसा में कोलकाता में करीब 5,000 लोग मारे गए और 15,000 लोग घायल हुए। 1960 में आज ही के दिन साइप्रस को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। आज ही के दिन 1990 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण लोपनोर में किया। आज ही के दिन 1997 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान का निधन हुआ। नुसरत फतेह अली खान सूफी शैली के प्रसिद्ध कव्वाल थे। इनके गायन ने कव्वाली को पाकिस्तान से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। कव्वालों के घराने में 13 अक्टूबर 1948 को पंजाब के फैसलाबाद में नुसरत फतेह अली खान का जन्म हुआ। इनके 125 एल्बम निकल चुके हैं और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आज ही के दिन 2001 में हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सौरमंडल के बाहर स्थित एक ग्रह को खोजा गया। और आज ही के दिन 2012 में विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को इक्वाडोर ने राजनीतिक शरण दी।